तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिज़ाइन हिल पर अकाउंट कैसे बनाना है। इसकी मैंने वीडियो 1 साल पहले डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपने किस तरीके से डिज़ाइन हिल अकाउंट बनाना है। और मैं भी नीचे कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे कि सर अकाउंट नहीं बन रहा, कोई इशू आ रहा है, कोई बंदे जो हैं वो आई एम अ कस्टमर पे इधर क्लिक करके वो साइन अप कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक हो गया? तो आई एम ए डिज़ाइनर पे करके आपने इसको साइन अप करना है, कस्टमर पे नहीं करना, वरना आपका अकाउंट गलत बनेगा और आप अर्निंग नहीं कर सकते, आप एक कस्टमर साइन अप हो जाएंगे। तो पहले आप मेरी सेटिंग देख लें। तो इसमें देखें, सेटिंग में गया हूँ, मैंने ओपरा ब्राउज़र डाउनलोड किया हुआ है। ओपरा में मैंने, इसमें अपना एक वीपीएन, बिल्ट इन वीपीएन होता है ओपरा का, उसको मैंने ऑन किया हुआ है, इनेबल कर दिया। यहाँ से आपने वीपीएन को इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो नीचे ही वीपीएन आ रहा था, देखें इस पर क्लिक करें तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। तो आपने इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से बाईपास वीपीएन फॉर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, ये आपका ऑन होगा, इसको आपने ऑफ़ कर देना है। ये पहले आपने वीपीएन की सेटिंग यहाँ से करनी है, उसके बाद आपने गूगल पे जाना है। ये देखें, मैंने गूगल पे जाके लिखा है व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो मेरी लोकेशन इस टाइम जो है वो जर्मनी की आ रही है, ठीक हो गया जी? ऊपर ये कंट्री जर्मनी आ रही है, जर्मनी का एड्रेस है, वीपीएन इसका ऑन है। उसके बाद मैंने एक टेम्प्रेरी मेल साइट पे खोल लिया, इसलिए मैं ये टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से अकाउंट बन जाएगा। तो ये मैंने एक टेम्प मेल खोला हुआ है, मैंने ये ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लिया, ये आप जाकर खोल सकते हैं। आप अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, तो ताकि अगर आपने वो यूज़ करना है, और ये तो मैं एक डमी अकाउंट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ बताने के लिए। तो फिर मैंने खोल लिया जी designhill.com साइन अप, मैं साइन अप पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पर आके उस ईमेल को पेस्ट कर दिया जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। पासवर्ड मैं कुछ भी रैंडम रख देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। आई एम ए डिज़ाइनर पर आपने क्लिक करना, आई एम नॉट रोबोट पे आप चेकबॉक्स कर लें, ये कैप्चा आप कर लें उससे पहले कि आप साइन अप पे प्रेस करें, पहले कैप्चा करना ज़रूरी है। ये चलें जी, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर से रॉन्ग हो गया, दोबारा कर लेते हैं, जल्दी हो जा भाई। कैप्चा थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलें जी, ये हो गया, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं और साइन अप पर क्लिक कर देते हैं। ये आप चेक करें, अभी देखते हैं कि आगे से क्या एरर आता है जी। डिज़ाइन हिल ऑन बोर्ड और इंट्रोडक्शन आ गया, अ यूनिक डिज़ाइन हिल प्रोफाइल ग्रेट, ठीक हो गया, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने इसका सेव कर लिया, ठीक है, आगे फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। डोंट्स, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा जी कि हाउ टू अर्न ऑन डिज़ाइन हिल के कॉन्टेस्ट में एंट्री करें, सर्विसेज दें, 1-to-1 प्रोजेक्ट है, प्रिंट शॉप है, ये वो, इसको आप फिर से कंटिन्यू कर लें। अच्छा, इसमें वगैरह सेलेक्ट कर लें कदा, तो मैं ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले कंटिन्यू कर लें। ठीक हो गया जी, इसमें नेम लिखना जी सबसे पहले आपने ज़रूरी, तो मैं नाम लिख लेता हूँ, ऐसे कोई नाम लिखता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर जिस पे स्टार लगा होता है वो फील्ड ज़रूरी है, प्रोफाइल पिक्चर वाली फील्ड ज़रूरी नहीं है, इसको भी छोड़ दें। जेंडर ठीक है, डिस्प्ले नेम ओके करें, ये सब कुछ आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूरी है, तो ये भी मैं कोई डाल देता हूँ, यहाँ से 18 साल से ऊपर की आपने डालनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एड्रेस लाइन में आप एड्रेस लिख लें, कंट्री, क्योंकि मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ तो कंट्री यूनाइटेड स्टेट आ रही है, तो इसको अभी आपने नहीं छेड़ना। नीचे आ जाए, नीचे आके इसको, ये हो गया, ठीक है, अबाउट मी में कुछ लिखना, ठीक है, कंटिन्यू करें, लेकिन वो अबाउट मी में चाह रहा है।
रिकमेंड यू टू कम मिल योर ऑन बोर्ड राइट नाउ सो दैट वी कैन प्रोवाइड बेस्ट एक्सपीरियंस. ठीक है जी, ठीक है. वो कह रहा है कि इधर कुछ जो है ना अपनी लाइनें वगैरह लिखें, ताकि अबाउट मी में जाके मैं कुछ लिखता हूँ, कि वैसे लिख देता हूँ आई एम अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड. वो ने लिखा हुआ मिनिमम जो है वो 150 कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं, तो मैं इसी फील्ड को ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और बार बार इधर पेस्ट करता हूँ, ताकि 150 करेक्टर पूरे हो जाएं. हो गया जी. कंट्री अभी चेंज नहीं करनी, कंट्री यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें. आगे हम करते हैं कंटिन्यू. ये एक और चीज़ रह गई इसमें, उसने किस कहाँ से आपने सुना है, तो मैं लिख देता हूँ पॉडकास्ट करके नाम पूछ रहा है, सर्च इंजन कर दें गूगल. इधर लिखते हैं कि गूगल से हमने सुना है कि डिज़ाइन हिल पे काम होता है. कंटिन्यू कर देते हैं. ठीक है, एक्सपर्टाइज ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अपनी, इसमें से कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर लें. इलस्ट्रेशन हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, बस तीन ही मैंने सेलेक्ट किए हैं. स्किल वगैरह जो है वो एक्सपर्ट है, अडोब इसमें डाल देते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर ऐड कर दिया, स्किल एक ऐड कर दी मैंने. ये भी कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं है, ये भी नहीं है. डू यू हैव ऑनलाइन स्टोर? नो. कंटिन्यू करते हैं. अभी मैं बेसिक कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ. अच्छा, कह रहा है कि एक सोशल अकाउंट जो है आप अपना लिंक कर लें, ताकि कल को मसला ना हो. गूगल अकाउंट वो कह रहे हैं अटैच करें. गूगल अकाउंट अभी अटैच तो नहीं कर सकते. अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, कोई भी लिख देता हूँ यार, ठीक है, डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश हैदर लिख दिया हुआ है. सेव एंड कनेक्ट. फिनिश लेटर भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा पंगा लिया ये, कि देखते हैं कि ये क्या कहते हैं. उसने अब ऑथेंटिकेशन मांगनी है इसके हवाले से. फिनिश लेटर कर लेते हैं यार, देखते हैं कि डिज़ाइन हिल क्या कहता है. चलें जी, ये अकाउंट बन गया जी डिज़ाइन हिल का, आपके सामने है, ये देख लें. कंफर्मेशन ईमेल जो है वो उन्होंने मुझे दे दिया हुआ है. डिज़ाइन हिल का अकाउंट जो है वो बन गया हुआ है और बिल्कुल ओके बना है. इधर से मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ. ये देखें, इसके पास मेरा ये डिज़ाइन हिल का अकाउंट आ गया. इधर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका पासवर्ड आया होगा इधर. डिज़ाइन हिल ईमेल अकाउंट वेरिफिकेशन लिंक, इसमें मैंने क्लिक किया. अभी ये डिज़ाइन हिल इसको वेरीफाई करेगा, तो चेक कर लेते हैं. ठीक हो गया, ये अब अकाउंट भी वेरीफाई हो गया ईमेल के थ्रू. तो ये आपका जो है वो अकाउंट जो है वो फ़ौरन ही डिज़ाइन हिल का बन गया है पाकिस्तान में. ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब हम जाके करते हैं VPN को डीएक्टिवेट. डीएक्टिवेट करके एक्सेस लेके देखते हैं कि ये चल जाएगा. अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे बता दें. VPN को डीएक्टिवेट करें और अकाउंट को चला के देखें. उसके बाद आप अकाउंट की सेटिंग में आ जाएं. सेटिंग यहाँ पर है अकाउंट की, पर्सनल इंफॉर्मेशन में. यहाँ पर आके आपने अपनी कंट्री पाकिस्तान कर देनी है बाद में, जब आपने साइन अप कर लेना है. VPN को बंद कर देना है, सेटिंग में से जाके VPN यहाँ से बंद करना है. और उसके बाद कुछ घंटे बाद या 24 घंटे बाद आपने दोबारा लॉगिन करना है. ठीक है, मैंने तो टेम्परेरी ईमेल यूज़ किया था, आपने ओरिजिनल ईमेल यूज़ करना है और सोशल अकाउंट को लिंक कर लेना साथ, प्रॉपर एक
सेट करना है इसको, और उसके बाद आपने अकाउंट ओके करना है। तो मैंने टेम्परेली इसलिए मतलब कि आपको बस बताने के लिए कि ये चीज़ें इसमें हैं, तो आप इस तरह से साइन अप कर सकते हो, और ये इजीली ओपरा में जाके आप साइन अप कर लेंगे। उसमें आप बाद में आके वीपीएन को बंद करें, वीपीएन को बंद करके आके यहाँ पर आके आप कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैं कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं कर सकता, वरना वीपीएन से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मैं वीपीएन यूनाइटेड स्टेट से चला रहा हूँ, जर्मनी से चला रहा हूँ, और यहाँ पर कंट्री जो है वो पाकिस्तान लगी हुई है। ठीक हो गया, तो चलें इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है इस हवाले से कि आपको पता चल जाए कि डिज़ाइन हेल्पर दोबारा से अकाउंट कैसे बन सकता है। जो इशू होता है मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको जल्दी सॉर्ट आउट करूँगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।